close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? सभी को स्वादिष्ट ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम आ गए हैं फतेह नगर, तिलक नगर लोकेशन पे है ये फतेह नगर। यहाँ पे हम आए हैं बहुत ही फेमस एक रोल वाले के पास, रोल्स किंगडम पे आ गए हैं। ये रोल्स किंगडम मेनली फतेह नगर ये त्यागी नर्सिंग होम यहाँ पे देख पा रही है। त्यागी नर्सिंग होम है, त्यागी नर्सिंग होम के जस्ट ही अपोजिट साइड में यहाँ पे है रोल्स किंगडम। तो यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के यहाँ पे रोल मिल जाते हैं। देखिए बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे फोटोज़ भी लगे हुए हैं रोल्स के। तो चलिए भैया के पास चलते हैं, भैया के पास चल के पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम्स भैया का स्पेशल है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं भैया के पास। तो भैया फर्स्ट आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेफ सचिन कुमार है एंड ऑलमोस्ट 20 ईयर मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब कर चुका हूँ, बड़े बड़े बिग ब्रांड के साथ लाइक हयात एजेंसी, शंग्रीला होटल, लीला कंपेंस्की, पुलमैन एंड माय लास्ट जॉब वाज इन हांगकांग मोर देन 6 इयर्स। अच्छा, तो इस लाइन में कैसे आना हुआ आपको? एक्चुअली 20 साल से नौकरी कर रहा था मैं, बट अब्रॉड में था अभी लास्ट 6 ईयर। अच्छा, बट अभी जब वापस आया तो हमारी मदर को कुछ। अब्रॉड मतलब कहाँ पे थे आप? मैं हांगकांग में था 6 साल। मतलब शेफ में? हाँ, एज अ शेफ। एज अ शेफ? हाँ। अच्छा, वहाँ पे मतलब कोई होटल वगैरह में? रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट मिर्च मसाला इंडियन रेस्टोरेंट। ओके। तो उधर जॉब करता था। ओके। देन इधर जब वापस आया, अभी लास्ट मंथ ही जुलाई में वापस आया हूँ, तो मेरी मदर का थोड़ा इशू है, हेल्थ इशू। तो मदर कहती है अब कहीं नहीं जाना, यहीं करना। तो जस्ट स्टार्ट। मदर कैसे हैं? सही है, मदर सही हैं। और स्टार्टिंग छोटे वेंचर से की है बिकॉज कोरोना में अच्छे अच्छे लोग डूब गए, तो छोटे से शुरुआत की है। अच्छा, तो आपका ये लोकेशन प्रॉपर कहाँ पे था? ये जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो है D4 फतेह नगर। ओके। नियर बसी नेक शॉप, अपोजिट त्यागी नर्सिंग होम। ओके। और सर आपका ये टाइमिंग क्या होंगे? जो मेरे आउटलेट के टाइम है, आई विल स्टार्ट एवरीडे 4 o'clock टिल 11:30। ओके, फ्रॉम 11:30। हाँ जी। एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9582882543। ओके। तो आप मतलब यहाँ से मतलब कोई अगर यहाँ पे पिकअप करने से अलावा अगर होम डिलीवरी वगैरह भी आप देते हैं? अभी सर्विस तो करते हैं? होम डिलीवरी स्टार्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर या वेरी सून आई विल स्टार्ट होम डिलीवरी आल्सो। बट टिल नाउ इफ समबडी वांट दे कैन जस्ट कॉल मी एंड आई कैन प्रोवाइड टेक अवे ऑर्डर्स। ओके। तो आपका यहाँ पे स्पेशल क्या क्या आइटम्स है? बहुत सारे आइटम्स हम देने देखे आपके। मैंने अभी जस्ट रोल्स से स्टार्ट किया है एंड जो रोल्स है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लिमिट है। ये मेरे पास मोर देन 60-70 रोल्स है वेज एंड नॉन वेज। और जो मैं आज आपको ट्राई कराऊंगा जो मार्केट में नहीं है, एक आपको कराऊंगा मैं चीजी एग्जॉटिक वेजिटेबल रोल। एग्जॉटिक वेजिटेबल? हाँ, एग्जॉटिक वेजिटेबल में आपका आएगा कैरेट आएगा, बीटरूट आएगा, मशरूम आएगा, कॉटेज चीज आएगा। और जो आपको नॉनवेज में कराऊंगा मैं आपको अपना स्पेशल चिकन कबाब एग रोल कराऊंगा। और जो मेरे वेजिटेबल के रोल हैं वो सारे 80 रुपीज़ है एंड जो चिकन के हैं वो आपका 99 रुपीज़ है। और रेट रीजनेबल है आपके यहाँ पर? या मिनिमम रेट कितना है आपके? मिनिमम रेट जो नॉनवेज का है वो 99 है। ओके। और जो मेरा स्पेशलिटी है लाइक बाहुबली है रोल, इन दैट आई गिव चिकन कबाब, चिकन सलामी एंड चिकन टिक्का एंड 3 एग। ओके। तो आप जो आइटम्स यहाँ पे आप शो कर रहे हैं हम लोग को, तो ये फॉरेन में आप लोग ये आइटम्स वहाँ पे चलते हैं कि वहाँ से थोड़ा हटके यहाँ पे अपने? नहीं नहीं नहीं, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लोग रोल खाते हैं अपने इंडिया में। ओके। बट उस रोल को थोड़ा अपग्रेड वर्जन दिया है। अच्छा, तो फॉरेन में भी आप काम किए थे शॉप में मतलब रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे किस टाइप के मतलब? नहीं, वो तो है एक्चुअली, वो तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था। ओके। तो उसका उससे नहीं है आपको रोल के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स? हाँ, रोल्स है। जैसे मेरी मेन्यू में देखेंगे तो आपको शिजवान चिकन रोल मिलेगा, थाई स्टाइल चिकन रोल मिलेगा जो इधर शॉप पे नहीं मिलता। ओके। तो आप अभी फिलहाल रोल से स्टार्ट किए हैं, फिर धीरे धीरे आप जैसे रिस्पॉन्स बढ़ेगा वैसे आप एक्सटेंड करते रहेंगे। जो मेरी स्पेशलिटी है वो नेक्स्ट मंथ 5 से मैं स्टार्ट करूँ, 5th of October। ओके। इस चिकन पाव भाजी जो आपको आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो इंडिया में कहीं नहीं है। चिकन पाव भाजी 5th of October से भैया स्टार्ट कर रहे हैं चिकन पाव भाजी। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम पे भी एक बार आएंगे पाव भाजी ट्राई करने भैया के। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, भैया कैसे बनाते रोल को वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भैया, यहाँ पे ऑयल डाल दिया है यहाँ पे। ये कौन सा ऑयल डाला है भैया ने? ये मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाला है। और आई ऑलवेज वेयर ग्लव्स। ये कोरोना ने हमें हाइजीन सिखाया है, पूरा एकदम हाइजीनिक है यहाँ पे, पूरा साफ सुथरा देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। ये कटिंग मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे एकदम साफ सुथरा है। और हर वेजिटेबल हो, पनीर हो, चिकन हो, सब कवर्ड है, सब कवर्ड है। और सबसे बड़ी बात, हाइजीन मेंटेन करके रखे हैं लोगों के लिए कि मेरा वेज का तवा अलग है, ओके, वेज के यूटेंसिल्स अलग है, नॉन वेज का तवा अलग है, नॉन वेज के यूटेंसिल्स अलग है। ये बहुत ही एक यूनिक, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं कि वेज के लिए अलग तवा, नॉन वेज के लिए अलग तवा। मतलब ये एकदम मेरे को चौंका दिया, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भैया ये चीज़। मैंने पहली बार, बहुत जगह मैंने रोल वगैरह खाए हैं, सब एक ही तवा पे बनाते हैं वैसे, मैंने जो देखे हैं। तो यहाँ पे भैया का थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा अलग है, क्योंकि भैया फॉरेन में काम कर चुके हैं, तो भैया बहुत एक्सपीरियंस भी हैं इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे भैया डाल रहे हैं। तो भैया थोड़ा बता दीजिए क्या क्या डाल दिया आपने? चीज़ें एक्जॉटिक वेज है, उसमें मैंने कॉर्न डाला है, बीटरूट डाला है, अनियन डाला है, कैरेट डाला है, कैबेज डाला है, ओके ओके, और थोड़ा सा मैंने इसमें कॉटेज चीज़ डाला है, पनीर बोलते हैं, पनीर, और साथ में इसमें थोड़े से मैं आपका मशरूम ऐड करूँगा। ओके ओके, तो बहुत सारे आइटम्स इसमें आप ऐड कर रहे हैं, मतलब बहुत ही, ये वो चीज़ें हैं जो आपको सड़क पे नहीं मिलेगी। यस, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग देखें, इसीलिए नाम ही है एक्जॉटिक। यस, सड़क पे नहीं मिलेगी इसलिए ना आपने नाम रखा है एक्जॉटिक। मिक्स स्पाइसी है थोड़ा सा। ये कौन सा चाट मसाला था वो? ये मिक्स स्पाइसी है। अच्छा, मिक्स स्पाइसेस। और ये आपका ब्लैक पेपर डाला है मैंने, क्रश ब्लैक पेपर, हल्का सा सॉल्ट से सीजनिंग करूंगा। ओके, थोड़ा सा मेरे पास इटालियन मिक्स हर्ब है, जिस और इटालियन मिक्स हर्ब में आपका रोजमेरी, थाइम और ओरिगेनो और हल्का सा चिली फ्लेक्स है। ओके ओके, मिक्स है यहाँ पे सारा। ओके, उसके बाद बहुत ही सुंदर यहाँ पे खुशबू आ रहे हैं, इसको थोड़ा भैया ने फ्राई कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा, इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। और जो हमारे इंडिया में क्या, हम सब्जी का हलवा बना देते हैं, जो अब्रॉड में मैंने एक्सपीरियंस लिया वो ये लिया कि वेजिटेबल शुड बी हाफ डन। आपको रोल में क्रंचीनेस आनी ज़रूरी है, अगर आपको क्रंचीनेस नहीं आएगी ना तो वो रोल का मज़ा नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में यहाँ पे। तो सर अभी शुरुआत है, आप देखते जाइए। तो आपका रिस्पॉन्स बढ़िया, बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कस्टमर रिपीट हो रहे हैं अभी मुझे, जस्ट 22 डेज हुए हैं इधर। ओके ओके ओके, रिस्पॉन्स अच्छा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, फिर आपको शॉप को भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन बाद में अगर सोचेंगे तो वो सही। ये आपका फ्रेश क्रीम डाला है मैंने, अमूल का। ओके, उसके बाद मेयोनीज है। ओके, ये आपका मेल्टेड चीज़ है। ओके, तो एक चीज़ सर आपसे पूछूंगा मैं। हाँ जी, रोल ही क्यों, और भी तो बहुत सारे आइटम्स हैं सर। रोल आजकल के यंगस्टर के पास टाइम नहीं है। ओके, लोगों के पास टाइम की कमी है। और ये क्या है, इजी टू मेक है, इजी टू ईट है, और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बंदा अपना चलते फिरते भी खा सकता है, पढ़ाई करे तब भी खा सकता है। हाँ, इसके लिए कोई स्पेशल आपको कहीं अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत तरीके से जो फीलिंग होगी रोल के अंदर, वो फीलिंग तैयार हो चुका है, एक्जॉटिक फीलिंग तैयार हो चुके हैं। अब भैया यहाँ पे रोल के लिए मैदा, इसमें मैदा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसका है आपका, मेरा आटा मैदा मिक्स होता है, 70% मैदा होता है एंड 30% आटा होता है। अच्छा, तो ये है भैया का रोल, ये अभी तवा पे जा रहा है, थोड़ा सा इसमें फ्राई होंगे। और आई ट्राई माय बेस्ट टू यूज लेस ऑयल। ओके, बिकॉज़ इफ यू सी माय बोर्ड आई रिटन देयर दैट हेल्दी कांसेप्ट। ओके ओके ओके, तो ऑयल भी थोड़ा, मतलब बहुत ही कम है ऑयल, मैं देख रहा हूँ, मैं ऑयल तो बहुत ही कम है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में यहाँ पे। ये हमारे कस्टमर है, ये मेरे फर्स्ट कस्टमर है जब मैंने खोला था। ओके ओके, तो अभी ठीक है, फर्स्ट कस्टमर जैसे कि बोले आपने, तो सर के पास चलते हैं। तो सर भैया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए, आप कितना दिन हो गया यहाँ पे? 20-22 दिन हो गया। तो इनका टेस्ट कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आप फिर से ऑर्डर करने आए, मतलब भेजने आए, तो आज क्या लेंगे आप? मतलब यहाँ पे कौन सा आइटम आपको सबसे बेस्ट लगा आपको यहाँ पे? सभी आइटम बढ़िया भैया। अच्छा, तो आज कौन सा चीज़ लेने आया? ये चिकन रोल। चिकन रोल लेंगे, जैसे कि भैया ने बताया कि चिकन रोल लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तैयार हो रहा है यहाँ पे रोल हम लोग का, ये देखिए फीलिंग हो रहा है रोल का। अगेन आई एड सम ब्लैक पेपर। ओके, सम मिक्स स्पाइसेस।
ओके, लिटिल बिट चिली सॉस बिकॉज अपने इंडिया में हल्का सा चटपटा मांगते हैं लोग एकदम एकदम। अगर बच्चे हैं, अगर कोई कहते हैं कि हमें स्पाइसी नहीं चाहिए तो फिर आई डोंट ऐड दैट सॉस। ओके, देन अगेन मेल्टेड चीज बिकॉज नामी रोल क्रीमी पूरा चीज ही हो गया पूरा चीज। देन अगेन अमूल फ्रेश क्रीम। ओके, क्रीमी चीज़ी पूरा हो चुका है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे। मेयोनीज भी डाला हुआ है, फीलिंग तो पूरा फील एकदम भरपूर है यहाँ पे। देन अगेन मिक्स, यहाँ पे इटालियन स्पाइसेस डाल दिया हमने, इटालियन स्पाइसेस एंड देन आई जस्ट राउंड अप। ओके, तो ये रोल हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। ये बीच में से भैया चीज़ी एक्सोटिक वेज और इतना क्रीमी है, आप खाएंगे तो आप कहोगे वाओ। ओके, इसमें आपके कॉर्न्स हैं जो उसको और टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का एग्जॉटिक रोल बनकर तैयार हो चुका है, वेजी एग्जॉटिक रोल तैयार हो चुका है, एग्जॉटिक चीज़ी वेजिटेबल रोल, एग्जॉटिक चीज़ी वेजिटेबल रोल यहाँ पे तैयार हो चुका है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करके फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग बनवाएंगे, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये आइटम पहले ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं इसका स्वाद, फिर आगे नेक्स्ट आइटम हम लोग बनवाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का वेज एग्जॉटिक रोल आ चुका है, पूरा फीलिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे, एकदम फीलिंग भरपूर फीलिंग है, बहुत ही हॉट है, गर्म है बहुत। तो इसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं कि इसका स्वाद कैसे है, टेस्ट कैसे हैं। इसमें आपका बहुत कुछ है, कैरेट है यहाँ पे, फिर पनीर है, मशरूम्स हैं, तो अभी ट्राई करते हैं, चलिए। एक क्रंची भा यहाँ पे पूरा क्रंचीनेस है एकदम, क्योंकि यहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, पूरा क्रंची है और टेस्ट एकदम 10 out of 10 है एकदम। टेस्ट स्वाद एकदम अलग है, बहुत सारे रोल मैंने खाए हैं, एक इटालियन टच है यहाँ पे, क्योंकि इटालियन फूड मैंने एक दो बार खाए हैं, तो इटालियन टच है यहाँ पे एकदम। पनीर वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम क्लास है। और जो रोटी है वो थोड़ा सा पतला है रोटी, मगर जो फीलिंग है ना वो पूरा चीज़ को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है पूरा। कैरेट है यहाँ पे, बीटरूट है, स्वीट कॉर्न है, पनीर है, मशरूम है, टेस्ट एकदम 10 out of 10 है। फीलिंग एकदम बढ़िया फीलिंग है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, 10 out of 10। तो चलिए नेक्स्ट आइटम को ट्राई करते हैं, अभी चिकन का आइटम बाकी है, वो ट्राई करके आप लोग को उसका भी टेस्ट बताते हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भैया के पास यहाँ पे नॉन वेज एंड वेज आइटम का यहाँ पे मेनू कार्ड लगा हुआ है, तो बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पे आइटम्स है रोल के। तो भैया कितने आइटम्स हैं लगभग यहाँ पे? अच्छा, मोर देन 60 एग रोल्स के यहाँ पे आइटम्स है, अलग अलग वेज है नॉन वेज। यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट साइड में नॉन वेज है और राइट साइड में वेज है, देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रीजनेबल रेट में यहाँ पे भैया सर्व करते हैं रोल्स। तो यहाँ पे आके आप लोग रोल्स ट्राई कर सकते हैं, भैया का जो बहुत ही फेमस रोल है यहाँ के, वो आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों भैया यहाँ पे अभी रोल खा रहे हैं, तो भैया से भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो
सर आपका नाम बताइए पहले। मनोज शर्मा। अच्छा, कितना दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया आपका। तो कैसा लगता है यहाँ पे टेस्टिंग का? बहुत टेस्टी है। अच्छा, बहुत टेस्टी है। तो मैंने भी अभी ट्राई करूँगा, तो मेरे को ट्राई करने से पहले आपसे पूछ ले रहा हूँ मैं कि कैसा टेस्ट है। तो टेस्टी है। तब कौन सा रोल खा रहे हैं आप ये वाला? मलाई। अच्छा, मलाई रोल है। टेस्टी है जी। और भैया आप बताइए, तो कितना दिन हो गया आपके यहाँ पे? हमें 2 महीने तो हो गए ऑलमोस्ट। 2 महीने मतलब आते हैं यहाँ पे आप। तो कैसा लगता है रोल यहाँ का? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि साफ सुथरा होता है। हाँ, तो मैंने देखा भैया का वेज का अलग तवे है और नॉन वेज का अलग तवे है। और ये बड़ी बात, हैंडकफ लगा के। हाँ, प्रॉपर हाइजीनिक है, एकदम प्रॉपर हाइजीनिक है। और अगर आप इसके अंदर स्टफिंग भी देखोगे तो बहुत अच्छी है। वेजिटेबल्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक एक अगर आप देखेंगे खाने के अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो मैंने देखा है। हेल्दी है तो आप ऐसा नहीं कहेगा कि ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। हेल्दी फूड है, तो इसलिए हम प्रेफर इसको ज़्यादा करते हैं कि बहुत अच्छा है, सेफ है और अच्छा है टेस्ट भी। तो चलिए, भैया से रिव्यू ले लिए हैं, तो भैया लोग भी बताया कि बहुत ही टेस्टी है यहाँ का रोल्स। तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं। तो चलिए, आप भैया बनाने जा रहे हैं हम लोग के लिए चिकन का आइटम। देखिए, हम लोग वेज यहाँ पे बनाए थे और नॉन वेज भैया यहाँ पे बना रहे हैं। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। तो भैया, आप कौन सा आइटम खिला रहे हैं आप? अब मैं आपको चिकन में एक हैदराबादी चिकन एग रोल खिला रहा हूँ। अच्छा, जो हैदराबादी चिकन एग रोल। ओके। बहुत कम कोई भी अगर आप जाएंगे मार्केट में, ओके, कोई भी जगह दिल्ली में, बहुत रेयर मिलेगा आपको। क्योंकि लोग ज़्यादा बस चिकन टिक्का रोल, चिकन मलाई, चिकन अफगानी इतना ही पता है, या चिकन कबाब रोल बस। तो भैया, हम लोग को अभी चिकन हैदराबादी रोल खिला रहे हैं अभी। तो चलिए देख लेते हैं, तो बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे भैया ने यहाँ पे रोटी ले लिया है, मतलब जो रोल जो होंगे इसमें अंडा भी जाता है। अच्छा, इसमें अंडा जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं भैया। देख पा रहे हैं यहाँ पे भैया ने एक अंडा डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह यहाँ पे मसाला वगैरह डाल रहे हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं भैया रोल के ऊपर अंडे को। तो भैया, एक चीज़ पूछना था, अपने काम सब खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। वेरी हैप्पी, आई एंजॉय वर्क, एंजॉयिंग माय वर्क। ओके, खुश नहीं होंगे तो फिर मुश्किल है सर। जो इंसान हर काम में खुशी से काम करना चाहिए, कोई भी तभी आगे सक्सेस हो सकते हैं, बस यही है। कोई भी स्ट्रीम हो, हाँ, जब तक आप खुश नहीं है उस काम में तो फिर फायदा नहीं काम करने का। एकदम एकदम। तो यहाँ पे वेजेस भी जाएंगे क्या भैया? हाँ, हर रोल में वेजेस जाते हैं। ओके, दैट्स अ हेल्दी कॉन्सेप्ट। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे भैया, जैसे कि वेज रोल हम लोग खाए थे, वैसे ही हम लोग का यहाँ पे चिकन आइटम में भी वेजेस जाएंगे। पहले हम लोग खाए थे एग्जॉटिक, अभी हम लोग खाएंगे चिकन हैदराबादी। तो ये जो चिकन है, ये कौन सा पार्ट होता है चिकन का? वैसे मैं चिकन ब्रेस्ट यूज़ करता हूँ। बिकॉज चिकन ब्रेस्ट है ये। हाँ, बिकॉज मैंने क्या करा हुआ है कि मेरा हेल्दी कॉन्सेप्ट है। ओके, जो थाई होता है वो मोर फैटी होता है। ओके, चिकन ब्रेस्ट में फैट कम होता है। ओके, और काफ़ी अगर आप उसको ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी जूसी होता है वो। ओके, ब्रेस्ट तो यहाँ पे बोनलेस है ये पूरा। हाँ जी, बोनलेस है। और जितने भी जिम के लोग हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, ओके, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना ही? नहीं, ऑयल हल्का सा तवे पे है, ज़्यादा सीधे नहीं। ऑयल तो बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी रोल वाले के पास आके कि बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जगह पे क्या करते हैं कि ऑयल डालते ही जाते, मगर यहाँ पे एकदम बहुत ही सूखा आइटम बन रहा है ये, और बहुत ही हेल्दी भी लग रहा है मेरे को। ये खा के कोई परेशानी नहीं होंगे, पेट ख़राब या कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होने वाला इसमें। ये आपका थोड़ा सा मैंने मिक्स सीजनिंग, ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि अच्छा, हैदराबाद में ब्लैक पेपर को काफ़ी ज़्यादा ओके पसंद किया जाता है। ओके, और इसमें चिली सोया सॉस या चिली सॉस वाले हैं। अच्छा, ये कौन सा है? एंड ये आपका मेरा होममेड अपना मिंट का सॉस है। अच्छा, मिंट सॉस है। ओके, इसमें मिंट है, कोरिएंडर है, जिंजर गार्लिक है। ओके, तो अब ये प्रिपरेशन जो घर पे करते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं? टाइमिंग क्या, मतलब कब से प्रिपेयर करके यहाँ पे लेके आते हैं? हाँ, मैं जब भी फ्री टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि बिकॉज एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अभी घर पे बना के लेके थे कि यहाँ पे बना के? घर से बना के लाते। अच्छा, घर से बना के लेके आते हैं आप। ये आपका स्पिनच की पेस्ट है। ओके,
तो रात बढ़ते बढ़ते आपका आइटम लगभग 11 बजे तक दुकान आपका ऑन 11:30 तो ख़त्म हो जाता है एकदम 11:30 तक। ज़्यादातर माल ख़त्म होता है लेकिन कई बार जैसे अच्छा। अभी श्राद्ध थे फिर अभी नवरात्रि है कल से तो उसके बाद आप लिमिटेड ही लेके आते हैं। हाँ मैं लिमिटेड पे करता हूँ, 0% वेस्टेज है मेरी। ओके 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 0% वेस्टेज ही होना चाहिए हर जगह पे ही। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। ये कौन सा मसाला, हैदराबादी मसाला है क्या ये? आपका रोस्टेड मिंट पाउडर है। रोस्टेड मिंट पाउडर, रोस्टेड मिंट पाउडर। ओके हाँ जी, पहली बार रोल में ये सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ, कहीं पे ऐसा यूज़ होता नहीं है वैसे तो। जैसे कि एग्जॉटिक खाए बाहर की तरह एग्जॉटिक आइटम, ये भी एग्जॉटिक की तरह लग रहा है जो चिकन आइटम हम लोग का बन रहा है, हैदराबादी चिकन आइटम। और ये आपको ईजिली नहीं मिलेगा कहीं। हाँ हैदराबादी पहली बार मैंने सुना हैदराबादी। आप मेरे चिकन के रोल देखेंगे चाहे हैदराबादी हो चाहे अवधी चिकन रोल हो। कौन सा रोल? अवधी चिकन रोल। अवधी ओके। चाहे पुदीना चिकन रोल हो, बिल्कुल वो ऐसे लोकली है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। ओके ओके ओके। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही हेल्दी लग रहा है। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे, लगभग तैयार हो ही चुका है। ये आपका ब्रेड है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे वेज में है ये स्लाइस ऑफ यूज़ होता है, ये टोंग यूज़ होता है सेपरेट। नॉन वेज में अलग है इसका। ओके नॉन वेज का अलग है, वेज का अलग है। हाँ जी, इधर सारा है वेज, इधर सारा नॉन वेज। हाँ जी, देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे भैया फिलिंग कर रहे हैं रोल में। फिलिंग बहुत है, फिलिंग में कोई कमी नहीं है कि कंजूसी की है फिलिंग में। क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं भैया, इसलिए रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं भैया के पास। तो जस्ट अभी 22 दिन ही हुए हैं। अच्छा, कौन सा आइटम दोबारा आप नया, मतलब नया आइटम कौन सा स्टार्ट करने वाला है 5 तारीख से? आप नेक्स्ट मंथ से मैं चिकन पाव भाजी स्टार्ट करने वाला। अच्छा चिकन पाव भाजी, वाओ फर्स्ट टाइम मैंने सुना चिकन पाव भाजी। तो 5 तारीख के बाद, नवरात्रि के बाद हम लोग आके चिकन पाव भाजी भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल श्योर, ट्राई कीजिए फिर आगे और। हाँ तो देखिए यहाँ पे चला गया मेयोनीज है क्या? ये मेयोनीज है। अच्छा ये चिली सॉस है, चिली सॉस है, चिली सॉस है, मेयोनीज डाल दिया। फिर वो मिक्स स्पाइसी जाएगा थोड़ा। ओके ओके। फिर हल्का सा मैं, मेरे पास एक मसाला है। ये कौन सा मसाला है भैया? ये लोगों की तरह बोलता हूँ सीक्रेट मसाला। अच्छा पर सीक्रेट तो होता नहीं, क्या है बता ही दिया थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मिक्स स्पाइसीज है, जैसे आपका मिंट हो गया, आपका थोड़ा सा गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया। ओके और ये रोस्टेड मिंट पाउडर। अच्छा मिंट। यहाँ पे देखिए रोल हम लोग का रैप हो रहा है। अब यहाँ पे फॉइल में रोल करके इसको साफ किए जाएंगे। तो दिखने में बहुत टेस्टी और बहुत ही एक सुंदर सा यहाँ पे खुशबू आ रहे हैं। तो अभी इसको जल्दी से जल्दी ट्राई करते हैं, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं इसका स्वाद कैसे है। तो अब इसको कटिंग किया जाएगा और लास्ट में हल्का सा ओके इस पर मैं थोड़ा तंदूरी मेयोनेज लगाऊंगा। ओके थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाए मिंट के साथ। तो यहाँ पे भैया ने तैयार कर दिया हम लोग का रोल और यहाँ पे तंदूरी मेयोनेज जा रहा है इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये रोल। तो ये रोल हम लोग का तैयार हो चुका है, तभी इस रोल को हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं इसका स्वाद कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास अभी चिकन हैदराबादी रोल आ चुका है, तो इसको अभी ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप लोग को बताते हैं इसका स्वाद कैसे है, टेस्ट कैसे है। तो रैप को मैंने हटा लिया, देखिए यहाँ पे फीलिंग है पूरा पूरा भरपूर, यहाँ पे फीलिंग है, क्रीमी है, यहाँ पे सेजवान सॉस वगैरह पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, पुदीना का फ्लेवर आ रहा है यहाँ पे और कैप्सिकम वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, प्याज वगैरह डाला हुआ है, कैरेट वगैरह डाला हुआ है यहाँ पे, एकदम क्लास स्वाद आ रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है चिकन यहाँ पे, बहुत ही सॉफ्ट चिकन है, ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल किया गया इसलिए सॉफ्ट है।
टेस्ट बहुत ही यूनिक है। पुदीना का जबरदस्त यहाँ पे स्वाद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट एकदम एक नंबर है। फीलिंग देखिए यहाँ पे, बढ़िया फीलिंग है। और तब तक इस रोल को हम लोग ख़त्म करते हैं। इस जगह का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लोकेशन, तो आके आप लोग रोज़ किंगडम पे अलग अलग वैरायटी का रोल ट्राई करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।